चंदा चोरो, शर्म करो, मंदिर से चोरी बंद करो। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही शातिराना तरीके से राम मंदिर जमीन घोटाले के मुद्दे को दबाने की कोशिश की, लेकिन जो स्थिति अयोध्या में चल रही है उसे देखकर यह कर पाना मुश्किल नजर आ रहा है। पहले आगामी चुनाव में भाजपा के नेतृत्व को लेकर सवाल उठे और अब अयोध्या में भी जमीन की खरीद फरोख्त में हुई गड़बड़ी को लेकर भी पार्टी के ही नेता घिरे हैं। हमको आरोप लगते ही रहते हैं, मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं। हम लोग हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। अब साधुओं ने भी राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई जमीन को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अयोध्या के साधुओं ने सीधा पीएम नरेंद्र मोदी से इस मामले में सफाई देने के लिए कहा है। निर्वाणी अखाड़े के महंत धर्मदास ने जमीन सौदों पर सवाल उठाते हुए कहा, कुछ जमीनें जो कुछ घंटों या कुछ हफ्तों पहले ही खरीदी गई थी, वो राम मंदिर ट्रस्ट को काफी ज्यादा कीमतों पर क्यों बेच दी गई? हमेशा ऐसा ही देखने को क्यों मिलता है कि किसी भी घोटाले में तार आखिरकार संघ भाजपा से ही जुड़े हुए होते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत ज्ञान दास ने इस मामले पर कहा कि बैठक में आए 150 साधुओं का एक पक्ष है कि पीएम मोदी को जमीन विवाद पर अपना पक्ष साफ करना चाहिए और ट्रस्ट को खत्म करना चाहिए। अब देखते हैं भाजपा सरकार इस मुद्दे को कैसे संभालती है या हर घोटाले की तरह ये घोटाला भी दबा दिया जाता है, क्योंकि भाजपा है तो घोटाले हैं।